जी कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जेमिनी सूत्र में अब आपको बताना जा रहा हूँ कि लग्न कुंडली के बाद उसमें हम आरोह लग्न कैसे निकालते हैं, उपपद लग्न साधन कैसे करते हैं और उसका फल विचार कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे हमने जन्म कुंडली बना ली, तो जन्म कुंडली में आप ये देखिए कि जो लग्न का स्वामी है वो बैठा कहाँ है। लग्न का स्वामी लग्न से जितनी जितने भाव आगे बैठा है उसी भाव से उतने भाव आगे हमारी क्या होगी, आरूढ़ लग्न होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, आरूढ़ लग्न या पद लग्न भी कहा जाता है उसे, चाहे पद लग्न आप कहो चाहे आरूढ़ लग्न को। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे आदमी की धन की आर्थिक स्थिति का विचार करना है, वो धन उसने किस तरह से कमाया और किस तरह से खर्च कर रहा है, उसने शुभ कर्म से कमाया पाप कर्म से कमाया, और जो उसका व्यय हो रहा है शुभ कर्मों में से व्यय हो रहा है, धर्म कामों में उसका व्यय हो रहा है, इन सब का हम निर्णय कैसे करें। तो इसका निर्णय करने के लिए अगर हम इसका सहारा लेते हैं तो बहुत सटीक भाष्यवाणी बताई, और भी सभी भाव का, ये नहीं खाली उसी धन का भाव का है, और भी चीज़ों का इसी तरह उसका हम विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं केवल एकादश भाव के बारे में लेकर चलूँगा, उसके फल विचारों कैसे करोगे वो बताऊँगा। फिर उपपद का साधन कैसे करेंगे, जो उपपद क्या है, लग्न कुंडली का द्वादश भाव, लग्न कुंडली का जो द्वादश भाव और द्वादश भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, वो जहाँ भी बैठा होगा उतने ही उससे उस भाव से उतने ही भाव आगे जो है वो उपपद का स्वामी होगा। अब आप इसको सावधान समझिए कैसे इसको हम साधन करते हैं, कैसे निकालते हैं। उदाहरण हम वही लेके चल रहे हैं, 13 जनवरी 69 वाला रात्रि 9:35 की सिंह लग्न की कुंडली है। अब ये सिंह लग्न की कुंडली आप देख लीजिए कि सिंह लग्न की कुंडली है, आपको इसमें ये देखना है कि जो लग्न का स्वामी है कुंडली में कहाँ बैठा है, जहाँ कुंडली में सिंह लग्न का स्वामी पंचम स्थान में बैठा है, तो यहाँ पाँचवें से पाँचवा स्थान कौन सा होगा, जैसे 1 2 3 4 पाँचवें स्थान में सूर्य बैठा है। अब यहाँ से पाँचवा गिनी है 1 2 3 4 पाँच, यानी मेष लग्न। कहने मतलब है कि जो मेष लग्न आई है, कौन सी लग्न हमारी आ गई, ये आरूढ़ लग्न, ये क्या कहलाएगी, आरूढ़ लग्न या पद लग्न। तो मेष लग्न से आप एक लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह द्वादश भाव आप लिखेंगे क्रम से। उसके बाद जन्म कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर, जैसे यहाँ 6 में बृहस्पति केतु बैठे हैं, बृहस्पति केतु रखो, 7 में चंद्रमंगल है, चंद्रमंगल जो ग्रह लग्न में है उन ग्रहों को उसी तरह आप स्थापित कर देंगे। इस तरह से आपकी पद लग्न आरूढ़ निकालाई। अब इसका हमें निकालना है उपपद लग्न। उपपद मैंने क्या बताया था, द्वादश भाव, इस कुंडली के जो द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश से इसमें कौन है, चंद्रमा, और चंद्रमा लग्न से कौन से स्थान बैठा है, 1 2 3 द्वादश से कहाँ बैठा है, 3 स्थान, 1 2 3 स्थान पे। अब यहाँ से तीसरा क्या होगा, 1 2 3 यानी ये पंचम भाव जो है वो क्या नाम से कहलाएगा, ये उपपद लग्न। ये पाँचवा धनुराशि में सूर्य ये उपपद लग्न हो गई, यानी 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप लिख देंगे। और जो ग्रहों की स्थिति यहाँ है सेम वही चीज़, जैसे आपने पद लग्न में लग्नों ग्रहों को स्थापित किया उसी तरह आप उपपद में ग्रहों को स्थापित कर देंगे। तो ये तो हो गई आपको जन्मांग कुंडली के द्वारा आरूढ़ लग्न बनाना और उपपद लग्न बनाना। अब इनको आप सूत्र के द्वारा लिख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लिख भी देता हूँ, जैसे आप लोगों को समझने में बाई चांस मैंने जो समझाया नहीं नोट किया तो ये नोट भी कर देता हूँ, जिससे आप लोग उस सब परिभाषा को लिख लीजिए, फिर आपको याद रहेगा, कभी आपको मिस्टेक नहीं होगा। इसको समझ लो कि पद लग्न कुंडली यानी आरूढ़ कुंडली बनाने के लिए क्या है कि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी यानी लग्नेश, लग्न का स्वामी बता दीजिए, यहाँ लग्नेश क्या था, सिंह लग्न का सूर्य था, लग्नेश लग्न से जिस स्थान में, यानी लग्न से जिस स्थान में पंचम स्थान में था उससे उतने ही स्थान, उससे उतने ही स्थान आगे, जिससे पांच था उससे पांच स्थान आगे आरूढ़ लग्न होगा, ध्यान रखो। और ग्रहों को जन्म कुंडली स्थान ही स्थापित करना, जैसे जन्म कुंडली में ग्रह है उस तरह आप स्थापित कर देंगे। मैंने निकाला था कि जन्म कुंडली से जितने स्थान पे आगे सूर्य था उससे उतने ही भाव आगे हमने देखा, जो लग्न है वो आरूढ़ लग्न होगी। उपपद कुंडली में देख लीजिए,
कि जन्म कुंडली में जो द्वादशेश है यानी व्यय का स्वामी, द्वादशेश किसको कहते हैं, जो व्यय का स्वामी है, व्यायस जो है जिस स्थान में हो। अब जैसे इस कुंडली में व्यायस कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ बैठा है, तीसरे स्थान में। अब यहाँ से चंद्रमा से तीसरा तो एक दो तीन और उतने स्थान जहाँ जिस उतने उससे उतने स्थान पर उपद होगा, उससे उतने स्थान पर एक दो तीन, तो उपद हमारा कहाँ हुआ, धनु में। उपद हमारी केवल की धनुलग्न, धनुलग्न से हमने जैसे भाव स्पष्ट करते हैं, भाव को लिख दिया, उसके बाद जो ग्रह लग्न में जैसी है वैसे कर दिया, वो उपद हो गई। तो हमने इस तरह से जन्म पद अनिपद उपद साधन करना सीख लिया, ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये आरूढ़ लग्न का हम फलित कैसे करें, फल विचार कैसे करना चाहिए, ये भी हमको थोड़ा सा आना चाहिए। तो मैं पूर्ण जानकारी जो कुंडली विश्लेषण करना है वो सिखाऊंगा, तब बताऊंगा। ये थोड़ा सा साधारण रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आरूढ़ लग्न में तृतीय सूत्र आपको बता देता हूँ कि आरूढ़ लग्न से ग्यारहवें स्थान में कोई ग्रह स्थित हो, जैसे आरूढ़ लग्न ये है, अब इससे ग्यारहवें स्थान में, ये ग्यारहवा स्थान है, इस ग्यारहवें स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठी हो या शुभ ग्रह की यहाँ दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रह ग्यारहवें भाव सब जानते हो, ग्यारहवा भाव लाभ का होता है, धन के लाभ का। अगर ग्यारहवें स्थान में शुभ ग्रह बैठी है या शुभ ग्रहों की यहाँ दृष्टि है, तो आदमी जो है शुभ कर्म से धनार्जन करता है, ये समझ लीजिए, शुभ कर्म से वो धनार्जन करता है। अगर ये शुक्र क्या है, शुक्र प्रेम मित्र का है, स्वराशि में है, तो समझ लो अपना मेहनत से सामान्य स्थिति में, लेकिन ये उच्च का हो या त्रिकोण की राशि में बैठा हो तो उसमें क्या होगा, उसकी धन की स्थिति हम ज्यादा कह सकते हैं, भाई उच्च में बैठा तो उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, त्रिकोण में है तब भी और उस उत्तम है, अगर मित्र में है स्वराशि में है तब भी अच्छी है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह ग्रह की स्थिति होगी या जिस जो ग्रह की यहाँ दृष्टि होगी, जिस ग्रह की उच्च की है, सम की है, तो उसके अनुसार उसका फलित उस अनुसार अनुपात में आप कह सकते हैं। ये तो हो गई कि यहाँ दृष्टि। अब यह समझ लो कि अगर एकादश भाव में यहीं पे पाप ग्रह बैठा हो, एकादश में पाप ग्रह बैठा हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो क्या कहोगे यार कि भाई इसने धनार्जन तो कर रहा, धन का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन ये जो है कुमार विषय धन का मारा, की जब पाप ग्रह मंगल बैठ गया, मंगल क्या करेगा, इसने अपने जो अपने बल का प्रयोग करके धन का कमाया हुआ, या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो चंडाल काम करता है, चंडाल संबंधी काम किए, कोई अनैतिक काम के द्वारा इसने पैसा कमाए हुए हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो सूर्य है तो राज्यक्रम के द्वारा उसने अपने धनार्जन किया हुआ, तो वहाँ अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो उस तरह से हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसने जो धनार्जन किया किस तरह से किया। तो ये तो हो गया कि हमने धन किस तरह से कमाया, ठीक। तो आरूढ़ लग्न से ग्यारहवें स्थान में कोई ग्रह स्थित हो या उसमें दृष्टि हो तो मनुष्य क्या होगा, धनवान होगा, अनिधनी होगा, मैंने बता दिया किस तरह से दृष्टि होगी। फिर एकादश भाव में अगर शुभ ग्रह होने से वो शुभ मार्ग से धनार्जन करता है और पाप ग्रह स्थित हो तो कुमार से धनार्जन करने वाला होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर वो कहने गए कि आरूढ़ लग्न से बारहवें भाव में कोई ग्रह स्थित हो, आरूढ़ लग्न से बारहवें भाव में, अब ध्यान रखो जैसे आरूढ़ लग्न है, अब आरूढ़ लग्न से बारहवें भाव में ग्रह स्थित है, यहाँ शनि राहु दोनों स्थित है, तो ये कह रहा है कि आरूढ़ लग्न से कोई ग्रह स्थित हो या द्वादश पर कोई सी पाप ग्रहों की दृष्टि हो या यहाँ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो मनुष्य बहुत खर्च करने वाला होता है। तो यहाँ कहने मतलब है यहाँ भी जैसे शनि राहु है तो यहाँ अनर्गल पैसे आकस्मिक है, क्यों शनि राहु आकस्मिक देते हैं, आकस्मिक खर्च बढ़ाते रहेंगे, केतु की दृष्टि है, बृहस्पति है कि जब दृष्टि पड़ रही है तो शुभ कर्मों में भी खर्च हो रहा है, आकस्मिक व्यय भी हो रहा है इनका। तो यहाँ शनि राहु बैठने से यहाँ जो व्यय की स्थिति है कि हम कह सकते हैं कि इस आदमी का जो व्यय है आकस्मिक व्यय बहुत होता है, बृहस्पति की दृष्टि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये भी हम कह सकते हैं, इनका शुभ कार्यों में धार्मिक कार्यों में भी धन का व्यय बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सहकार्मिक कुंडली के द्वादश भाव में जो ग्रह बैठी हैं उनके अनुसार हम कह सकते हैं कहाँ खर्चा हो रहा है, तो शनि क्या है, शनि कष्ट का है क्योंकि परेशानी अचानक हो जाता है, रोग का कारक है, इस तरह व्यय हो जाता है, बृहस्पति धार्मिक कार्यों में करता है, सामाजिक कार्यों में करा देता है, तो इस तरह से व्यय इनका चलता रहता है।
तो ये स्थिति ग्रहों की हम बता सकते हैं कुंडली से देख करके कि कहाँ इन्होंने बे किया, किस स्थिति में बे किया, तो उस ग्रहों की स्थिति को हम देख करके उस जातक के बारे में बता सकते हैं। दूसरा, ये तो ग्रहों की स्थिति किस तरह से बे किया है, और भी जो चीज़ें हैं जानकारियाँ मैं आपको जब कुंडली की फलित करूँगा, कुंडली का फलित करना सिखाऊंगा आप लोगों को, तो पद है, पद है, इन सबको कैसे हम फलित करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आज तो मेरा भी उद्देश्य यही था कि आप लोगों को आरूढ़ लग्न निकालना, उपद कुंडली का लग्न साधन करना, कैसे आप लोग लग्न निकालेंगे और उसका कुछ विचार कैसे आप करेंगे। जैसे एकादश धन का है कि धन ने किस तरह से कमाया और किस तरह से हम खर्च कर रहे हैं, उसको हम देख करके बता सकते हैं। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आपको पूर्ण जानकारी और भी आगे देंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है, क्योंकि ध्यान रखो ये जो साधन है पराशरी, पराशर के द्वारा, जैमिनी के द्वारा, दोनों ऋषियों के द्वारा आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी जानकारी है। इससे आप थोड़ा सा ज्ञान करें, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हल्का सा करना है और उसके बाद ग्रहों की स्थिति देखनी है और बहुत सटीक जानकारी आप लोग भविष्य वक्ता बन सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी बन करके आप समाज की सेवा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।